इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द जो घर के बाहर जमान पार्क में जो उनका उनका नेमत कदा है उसके बाहर बड़ी सिक्योरिटी भी उन्होंने उसको बीफ अप किया है। बल्कि मैं आज कहीं देख रहा था जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, जिस वक्त आपके हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो खुद इनको देखना लेकिन आज हुकूमत के कुछ ज़राए बताते हैं कि हुकूमत ने अपने तौर पे असेसमेंट कर ली है कि अब वो पूरी तरह बहाल, उनकी सेहत हो चुकी है, अब वो सही चल फिर सकते हैं। तो इसलिए मुमकिन है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई हुकूमत की। लेकिन अदालत ने तो आज उनके ऊपर तोशाखाना केस में रेफरेंस में उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उनको इस्तिस्ना मिल गया, वकला पेश हुए, वहाँ पर उन्होंने सेहत के हवाले से बताया। तो फिर आखिर में कुछ देर के बाद जो जज जफर इकबाल साहब हैं उन्होंने, तो अगले एक हफ्ते दो हफ्ते इंटरेस्टिंग आने वाले हैं साहब, मैं तो ये समझ रहा हूँ, शेख रशीद साहब को भी लेकर और इमरान खान साहब को भी लेकर, फिर आगे भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इंटरेस्टिंग टाइम तो है, लेकिन बासित साहब इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो उन्होंने अभी अब से थोड़ी देर पहले क्योंकि हम पीटीआई का एपीसी के हवाले से बात करने कर रहे थे और रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, तर्जुमानों का इजलास चल रहा था जो स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की, उसमें इमरान खान साहब ने रीइटरेट किया अपने ऊपर खतरात के हवाले से, उन्होंने खदशात का इजहार किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं।